वेलकम बैक टू स्टॉक्स फॉर यूट्यूब चैनल। तो आज हम कोल इंडिया लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखेंगे और न्यूज के ऊपर नजर डालेंगे। तो देख से देख कोल इंडिया में हल्की सी रिकवरी कल के दिन में देखने को मिली थी, पर आज फिर से गिरावट देखने को मिले स्टॉक के अंदर। 214.15 पे ट्रेडिंग कराए, 3 पॉइंट की गिरावट, 1.44% की गिरावट देखने को मिले। तो रिसेंटली देख से देखिए कोल इंडिया स्टॉक की न्यूज के ऊपर नजर डाली जाए तो रिसेंटली कोई खास न्यूज अगर रिगार्डिंग कोल इंडिया यहाँ पे देखा जाए तो न्यूज की बात तो की जाए तो कोई खास न्यूज सामने नहीं आ रहे रिगार्डिंग कोल इंडिया स्टॉक। तो देख सकते कि आज के दिन की जो मोमेंटम है स्टॉक के उसके ऊपर नजर डालेंगे हम लोग। जैसे कि कोल इंडिया स्टॉक ने आज जैसे ओपन हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हैं गिरावट देखने को मिले, प्रीवियस क्लोजिंग को ब्रेकआउट दिया है और यहाँ पे रिसेंटली देख सकते कि 213.15 के करीबन ट्रेडिंग करा है। तो देखिए मार्केट कैप जो है 1.32 लाख करोड़ की है, पी रेशो 5 का है और डिविडेंड यील्ड 10% से ज्यादा, जो कि अच्छी बात है। पर लास्ट फाइव डेज की बात की जाए तो स्टॉक में पिछले 5 दिनों में 4% से ज्यादा गिरावट हो चुके हैं। वॉल्यूम की भी बात की जाए तो ट्रेडेड वॉल्यूम जो है 64,99,000 का वॉल्यूम जनरेट हो चुका है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ट्रेडेड वैल्यू जो है 13,970 लाख का ट्रेडेड वैल्यू है, बाइंग के लिए 14 लाख ऑलरेडी पेंडिंग है तो सेलिंग के लिए 13,96,000 ऑलरेडी पेंडिंग है। सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशन की भी बात की जाए तो 58 लाख में से तकरीबन 84 लाख क्वांटिटी, 58 लाख में से 30 लाख क्वांटिटी डिलीवरी के लिए जा चुके, कुल मिला के 51%। चार्ट के ऊपर नजर डाली जाए तो स्टॉक में इस मंथ देखा जाए तो बहुत ही गिरावट देखने को मिले स्टार्ट हो चुके हैं स्टार्ट ऑफ द मंथ से, क्योंकि मंथली प्यूट का रेजिस्टेंस लगा फिर गिरावट। और रिसेंटली देख सकते 215 पे सपोर्ट है, मंथली सपोर्ट है, उसका सपोर्ट नहीं लेता है तो फिर नीचे 200 तक गिरावट देखने को मिल सकती है।